सत श्री अकाल, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। सो स्वागत है दशमेश डेयरी यूट्यूब चैनल और एबीसी वीरावली पेज में। सो आज पहुंचे हुए थे हम एबीसी वीरावली आंध्र प्रदेश में। सो जैसे सबको पता है भाई, यहाँ पे जो मुरा की ब्रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, और भाई साहब जो राजीव सरपंच भाई साहब हैं वो तकरीबन 20 साल से 25 साल से इसी काम में लगे हुए हैं, और मुरा के टॉप टॉप के बुल एबीसी वीरावली में हमारे पास हैं। और इंडिया का मात्र एक ऐसा सीमन बैंक है जहाँ पे ब्रीडिंग भी खुद करते हैं, वो अपनी भैंसें परचेज़ करते हैं और उसके बाद वो अच्छी भैंसें परचेज़ करके उस पर बुल लगाते हैं, अच्छे वाले अपने बुल यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो आगे बच्चे आते हैं उनको सीमन बैंक में रेडी करके और आगे वो किसानों को बहुत ही कम रेट में सीमन प्रोवाइड करवाते हैं। और इंडिया का ये पहला प्राइवेट सीमन बैंक है जो मदर फार्म पे काम कर रहा है, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा भी जो अदर सीमन बैंक है वो सिर्फ बुल परचेज़ करते हैं, वो बुल परचेज़ कर लिया मार्केट से उसका सीमन सेल कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया का एक ऐसा मात्र सीमन बैंक है जो ब्रीडिंग पे काम कर रहा है। सो आज की वीडियो मैं उन भाइयों के लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत भाई सवाल करते हैं भाई, वहाँ पे जो बुल है जब रिटायर हो जाते हैं, जब क्योंकि एक गवर्नमेंट का रूल है, मैं सभी भाइयों को अपने जो मेरे सुनने वाले हैं जो किसान भाई हैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, गवर्नमेंट का रूल है जब बुल 10 साल की एज का हो जाए तो उसके बाद उसको रिटायर करना होता है, उसको सीमन बैंक में नहीं रख सकते। तो बहुत भाई हैं जो ये सवाल करते हैं भी बुल कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। देखो अदर सीमन बैंकों को तो हम कुछ कह नहीं सकते उनका क्या करते हैं बुलों का, लेकिन जो एबीसी वीरावली है वो जो अपने बुल है, जो भैंसे हैं, ओल्ड भैंसे हैं, वो सभी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती हैं भी ज़िंदगी में उन्होंने उनके लिए काम किया है, उनके लिए उनको अच्छे बुल दिए हैं, अच्छी भैंसे दी हैं, तो आगे उनको ये नहीं है भी उनको काटने वाले को फेंकने वाले को दे देंगे। ये आप जो बुल तीनों बुल देख रहे हो, ये एबीसी वीरावली के, मैं तीनों बुलों के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो तीनों बुल हैं हमारे एबीसी वीरावली के, आपको इनकी एज के बारे में बताऊंगा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखना, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा भी एबीसी वीरावली है जो वो पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ काम कर रहा है। और आपको पता चलेगा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो बूढ़े बुल हैं उनका भी सीमन बिक रहा है, सभी का बिक रहा है। चलो वो उनके बारे में हम नहीं कुछ भी कहेंगे, वो जैसा सिस्टम चलता है वो ऐसा ही है, लेकिन जो एबीसी वीरावली है जो इंडिया का मात्र एक ऐसा सीमन बैंक है जो मुरा फार्म में अपना ब्रीडिंग कर रहा है, अपना ब्रीडिंग फार्म के साथ अपना वो एक सिस्टम चला रहे हैं। सो मैं आपको जो ये सामने बुल आप देख रहे हो, ये एबीसी वीरावली के जो तीनों बुल हैं, एक बुल इनमें नहीं है, शेरू है, जो शेरू के बारे में भी आप जानते होंगे भी शेरू इंडिया का ऐसा बुल है जिनको तकरीबन सभी किसान भाई जानते हैं, और शेरू की कड़नी आगे अच्छा दूध दे रही हैं, वो बुल अपने बीच नहीं रहा, उसकी कड़नियों की लाइव मिल्किंग भी हमने आपको दिखाई। सो ऐसे ऐसे बुल यहाँ पे हम पैदा कर रहे हैं, ऐसे बुलों को आगे ब्रीडिंग में यूज़ कर रहे हैं जिनकी कड़नियाँ दूध में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जो आप पहले नंबर पे बुल देख रहे हो ये हमारा एबीसी वीरावली का अर्जुन बुल है, और अर्जुन बुल है जो वो हमारे जो हरियाणा से परचेज किया हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ भाई, जो अपने एबीसी वीरावली पे टोटल जो ब्रीडिंग है, जो टोटल ब्रीड है वो HLDB की और जो हमारे हरियाणा के पंचायती बुल हैं उनकी है, और सभी ब्रीडिंग वही वैसी कर रहे हैं जैसे हरियाणा में ब्रीडिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट कर रही है। उनसे 21 हो रहा है, 19 नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप विजिट करो कभी कोई भी किसान भाई यहाँ एबीसी वीरावली डॉक्टर भाई, तो आपको पता चल जाएगा जो अर्जुन बुल है, अर्जुन जो बुल है हरियाणा से गया हुआ है, और हरियाणा में भी जो ये दविंदर कोच से बुल लिया था भाई साहब ने, हरियाणा के जो दविंदर कोच हैं उनके पास से ये बुल परचेज़ किया था। और इस बुल की ये खासियत है कि बच्चे काफ़ी अच्छे दूध में आ रहे हैं, तो ये बुल का आप बॉडी स्ट्रक्चर दे सकते हो। अभी ये बुल रिटायर है, और देखो जो बुल रिटायर होते हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, क्या माहौल प्रोवाइड करवाते हैं, आप देख सकते हो उनको पूरा एक अलग से शेल्टर दिया हुआ है, उनके बैठने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए सब अलग से प्रबंध किया हुआ है। और यहाँ पे सभी ऐसे बुलों को ट्रीटमेंट ऐसे ही दिया जाता है। ये अर्जुन बुल है, अर्जुन बुल की कड़नियाँ काफ़ी अच्छे दूध पे आई हैं, यहाँ फार्म में भी अच्छे बुल पे आई हैं, अच्छे सी दूध पे आई हैं। और एक कटड़ी जो यहाँ से ये बुल आया भाई साहब देवेंद्र कोच है उनके पास है, लखो, जो लखो भैंस है, कहीं आपका वहाँ पर लगे तो आप जाके देखना, जो लखो भैंस है वो इसी बुल की है। और ये जो बुल है हमारा अर्जुन है, अर्जुन का सीमन अवेलेबल है, ये जितने भी बुल देख रहे हो उनका सीमन स्टॉक में कम से कम 20-25-30 हज़ार डोज बना के स्टॉक में रखी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में इसकी प्रयोजनी आएगी तो फार्मर भाई ये बुलों की डिमांड हमसे करेंगे,
और कर भी रहे हैं। जैसे आपको पता है राका बुल है, हमारा राका बुल अब नहीं रहा है, विशिष्टा बुल नहीं रहा है, सन्नी बुल नहीं रहा है, तो उनकी मार्केट में डिमांड बहुत है। तो अर्जन बुल अच्छी प्रोजनी है, यहाँ फार्म पे भी इसकी कटनियाँ पहले ब्यांत में 16-17 लीटर दूध पे चल रही हैं, और लोकल में भी भाई साहब बता रहे हैं पैड़ियाँ जो आ रही हैं दूध पे आ रही हैं वो अच्छे दूध पे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल ब्रीड है। तो वहाँ पर भी इस बुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पहले ब्यांत में 10-12 लीटर दूध, जिनकी मदर 5-7 लीटर वाली हैं, क्योंकि हरियाणा में देख सकते हो आप दूध जो हरियाणा में तो अच्छा ही है, यहाँ जो आंध्रा में आपको बता रहे हैं भी आंध्रा में जो दूध है वो कम है, देसी भैंसे हैं। तो एक मैं आपको एनवायरनमेंट भी दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है इन बुलों को, जो रिटायर बुल हैं ये उनके लिए अलग शेल्टर है, अलग उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, यहाँ पे सारा प्रबंध है। तो ये बुल जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा ABC का जो फेमस काफ़ी बुल है, ये सूरवीर बुल है, इसको अब रिटायर कर दिया है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, अगर बोल ये कहीं प्राइवेट में हो तो अभी ये कम से कम 8-10 साल और सर्विस देगा, लेकिन ABC वीरावली में इसको रिटायर करके इसको शेल्टर दे दिया, अभी अब ये रिटायरमेंट की जिंदगी जो अपनी है वो बतीत करेगा, इसके आगे इससे सीमन नहीं लिया जाएगा, ये अपना खाएगा पिएगा बस, और कोई काम नहीं इसको। ये देखो पानी का प्रबंध है जो बुलों के लिए, यहाँ पे पानी के प्रबंध के लिए किया गया है, और यहाँ पे मैट लगा के सब लगा के उनको अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, इनके लिए अलग खाना दाना। और ये जो बुल हैं जो अपने हरियाणा में जो पंजाब में जो उनका काफ़ी सीमन प्रोवाइड हो रहा है, और इस बुल की खासियत ये है भी इसकी करड़ियाँ काफ़ी अच्छे दूध पे आ रही हैं, कम से कम 4-5 करड़ियाँ हमने इस बुल की जो अपना देख चुके हैं हम, जो हमारे पंजाब में भी 2-3 करड़ियाँ जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक करड़ी अपने अमनदीप भाई हैं पटियाला से, उनके पास है इसकी, जिसने दूसरे तीसरे ब्यांत में 20 लीटर प्लस दूध दिया है, और वो अपनी मदर से क्रॉस कर गई है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद ये देख सकते हो उनको कच्चा भी प्रोवाइड किया गया, साथ में अच्छा एक सिस्टम दिया गया है कि आगे आने वाले समय में इन बुलों को कोई दिक्कत ना आए। इन्होंने अपना जो सर्विस दिया है ABC वीरावली को, और वो सर्विस लेके ये नहीं है इनको काटने को ले दिया, फेंकने के काटने के लिए दे दिया या कहीं और दे दिया, ये जिंदगी ये जो लास्ट समय है अपनी जिंदगी का, सारी उम्र यहीं बतीत करें, यहीं पर वो अपना जिंदगी बतीत करके आगे जाएंगे। और ये बुल जो देख रहे हो ये हमारा ABC वीरावली का भीम बुल है, और भीम बुल की आपको सभी को पता है अभी काफ़ी अच्छी कटड़ियाँ दूध पे आ रखी हैं, और इस बुल की जो एक कटड़ी ने 26 लीटर 466 ग्राम दूध है, जो हमारा हरियाणा में वो HLDB में रिकॉर्डिंग करवाया है। और ये भीम बुल है, इसके आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, अभी भी बुल जैसे यंग है वैसे बुल हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के उनके हिसाब से इनको रिटायर कर दिया, ये सीमन बैंक के बाहर हैं आप देख सकते हो, अब इनकी सीमन बैंक में एंट्री नहीं होगी, और ये अपनी सारी उम्र यहीं पे बतीत करेंगे। और ये भीम बुल है, भीम बुल जो सभी ने सुना हुआ है, जो अच्छा बुल है हमारा, इसकी करड़ियाँ काफ़ी अच्छे दूध पे आ रही हैं। और ये वीडियो उन भाइयों के लिए खास थी हमारे लिए, जो पूछते भी ABC वीरावली में जो रिटायर बुल है उनका क्या करते हैं, जो बुल ओल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर वही जो कैटागरी गवर्नमेंट का रूल है 10-12 साल, अगर बुल की जो मिनिमम एज है वहाँ 10 साल रख सकते हैं, और अगर मैक्सिमम है, अगर बुल अच्छा अच्छी पैडागरी का अच्छा परफॉर्म कर रहा है भी एक्स्ट्रा उन्हें, उसको 12 साल तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, उसके बाद उसको सीमन बैंक से बाहर करना पड़ेगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और दशमेश डेयरी हमारे यूट्यूब चैनल और ABC वीरावली पेज को फॉलो जरूर कर लेना, और आने वाले समय में ऐसी और वीडियो आएंगी, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।